इसको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फजल महमूद है। महमूद साहब कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में जो अभी चल रहा है ये एक नया मामला श्रृंगार गौरी का, उस पर जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं भारी रहेगी? हमारा नाम बरकत अली है। अब मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतना गहरा जुड़ाव है बनारस काशी में हिंदू और मुसलमानों का। हमारे मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि जिस देश में रहिए उस देश का आए ना कानून कोई मानिए और उस कानून पे शायद उसे निभाइए। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिस पर यह आपत्ति की गई थी कि यह मामला सुनने योग्य ही नहीं है। लेकिन अब क्या कहना है इसके बाद, क्योंकि मुस्लिम समाज की तरफ से दी गई अर्जी खारिज कर ली गई है और कोर्ट 22 सितंबर से फिर सुनवाई शुरू करेगी श्रृंगार गौरी मामले में। इस पूरे मामले में आखिर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, मुस्लिम समाज के आम लोगों का क्या कहना है, यह जानने के लिए इस समय वाराणसी के चौक क्षेत्र के दालमंडी इलाके में हम हैं। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और दोपहर का वक्त हो चला है, चाय और कॉफ़ी बन रही है, लोग उसका आनंद ले रहे हैं और कुछ यहाँ पर बैठे हुए लोग भी हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग जुटे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर यह जो निर्णय आया है कि जो अर्जी दी गई थी मसाजिद कमेटी की तरफ से कि यह केस न सुना जाए क्योंकि वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं इसको बार कर रहा है, ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा, तो कोर्ट ने इसको नहीं माना, तो क्या कहेंगे? पहले अपना नाम और परिचय। मेरा नाम शकील अहमद है। देखिए, कोर्ट को मानना ना मानना अलग होता है, कोई भी जो दाखिल करता है तो उस पर कोर्ट गौर करती है। अब कोर्ट ने गौर किया है कि अब मुस्लिम समाज की अर्जी को खारिज कर दिया है कि नहीं, श्रृंगार गौरी का मैटर है तो उसको हम देखेंगे, देख के जांच करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया था कि निचली अदालत को दिया है कि आप नीचे से ऊपर आइए, ताकि अगर ऊपर से हम करेंगे तो अगर हम ही फैसला दे देंगे तो नीचे वाले क्या होगा फिर, तो नीचे से ऊपर अभी अदालती मामला है, प्रक्रिया बहुत लंबा है, ऐसी बात नहीं है। और न्यायालय जो भी फैसला देगी, और मुस्लिम समाज ने हमेशा स्वीकार किया है, चाहे बाबरी मस्जिद का मैटर रहा या पूरे देश के अंदर मुसलमानों ने स्वीकार किया। हम देखिए पीछे हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि न्यायालय के, हिंदुस्तान का आयन का कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं, हम उस कानून पर भरोसा कर रखते हैं, चाहे वो हमारे पक्ष में आए या ना आए, मैं अदालत को न्यायालय को हम गलत नहीं ठहरा सकते। मुस्लिम समाज हमेशा खुल के यही कहता है कि हम देश में, और हमारे मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि जिस देश में रहिए उस देश का आए ना कानून कोई मानिए और उस कानून पे शायद उसे निभाइए। तो हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम ताना बाना भाईचारा बनाए हुए हम लोग हमेशा रहेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर ये बनारस काशी जो है ये बाबा विश्वनाथ का शहर है, कबीर का शहर है, बिस्मिल्लाह खान साहब का शहर है, यहाँ पे नज़ीर का शहर है, यहाँ पे हमेशा भाईचारा बना रहता है, यहाँ के हमेशा हिंदू मुस्लिम को हमेशा आप देखिए जिस तरीके से लोग मिलजुल के रहते हैं। आज बनारस के अंदर आप देखिए इतना फैसला आने के बाद भी काशी के मैं हिंदुओं को सलाम करते हैं कि हिंदू यहाँ के इतने होने के बाद भी वहाँ पे जाके 100-200-500 आदमी खड़े नहीं रहते हैं कि बाबा प्रकट हो गए या बाबा का श्रृंगार गौरी का, लेकिन बनारस का ताना बाना एक है, हिंदू मुस्लिम एक है। जिला प्रशासन यहाँ का अच्छा है, प्रशासन लाइन ऑर्डर पे जितना मजबूती से काम कर रहा है, हम देखिए दो आपके कानपुर और इलाहाबाद जिस तरीके हुआ, वाराणसी का जिला प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से बनारस के अंदर हर पहलू पर गौर कर रहा है। ठीक है, आप लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ जिला प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, उसको माना जाएगा, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। लेकिन 1991 में यही संसद से बना कानून जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो कहता है कि जो 47 के पहले जो स्थिति थी जैसी चली आ रही थी वैसी ही कायम। तो एक तरफ ये जो निचली अदालत कहती है और दूसरी तरफ कानून जो बना हुआ है संसद में पारित है, तो दोनों में क्या अलग नहीं है, कुछ विरोधाभास नहीं है? नहीं, विरोधाभास तो है, मगर फिर भी हम अदालत का सम्मान करते आए हैं, मुस्लिमों ने इसका सबूत दिया है और पहले भी दिया है और हमेशा देंगे, क्योंकि मुसलमान इस देश से बहुत प्यार करता है और सबसे बड़ी चीज़ है इस देश की और काशी की गंगा जमुनी तहजीब। इतना गहरा जुड़ाव है बनारस काशी में हिंदू और मुसलमानों का कि इसको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फजल महमूद है।
महमूद साहब कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में जो अभी चल रहा है ये एक नया मामला श्रृंगार गौरी का, उस पर जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं भारी रहेगी? हमारा नाम बरकत अली है, अब मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस। तो अली साहब ने बहुत ही बड़ी बात कही कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ और भी यहाँ बाज़ार में लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, ये आम लोग हैं, यहीं के व्यापारी हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी है यहाँ पर सब लोग मिल के रहते हैं, हम लोग आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, और यही अपील करते हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला है हम सब मिलकर उसका सम्मान करेंगे, और कोई ज़्यादा बात ऐसी कुछ है ही नहीं। ये जो है आगे इस तरह से जितना भी विवाद है इसका कोई माने नहीं रखता है, मिल के रहते हैं हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से, यहाँ वाले को किसी बात कोई तकलीफ़ नहीं है कि कोई तकलीफ़ हो, किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे के एक भाई जैसे मिल के रहते हैं, जैसे एक परिवार रहते हैं उस तरह से हम लोग रहते हैं यहाँ पर। नहीं, वो तो आपस में जो मेलजोल है और भाईचारा है वो तो बरकरार है, लेकिन जो अभी जो फैसला आया है, जो निर्णय हुआ है, तो उसको कितना आप लोग उसके पक्ष में है? क्या एक तरफ संसद का कानून बना हुआ कहता है 1991 का कि नहीं, ये इस तरह की चीज़ें नहीं, सुनवाई होनी नहीं चाहिए थी, और वहीं दूसरी तरफ जो निचली अदालत है उसका ये फैसला आता है कि नहीं, उसको सुना जाएगा, क्या इसमें कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आ रहा है? ये फ़र्क तो बहुत है, ये हमें विश्वास है कानून पर, और जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसका हम इज्जत करेंगे और सम्मान करेंगे। तो विश्वास के साथ साथ जो चीज़ें हैं उसका सम्मान भी ये करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, यहाँ आम दुकानदार भी हैं, यहाँ ये लंबे समय से आप लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, ये तो तमाम लोग सियासतदान जो हैं वो अपनी बात करते हैं, चाहे धर्म से लोग जो जुड़े हैं अपनी बात करते हैं, लेकिन बनारस का व्यापारी जो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, अल्पसंख्यक वर्ग को, वो क्या सोचता है? पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सद्दाम है, और ये जो फैसला तो अपने कोर्ट के ऊपर जो भी निर्णय है, बाकी हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग भाईचारा अपना लगा हुआ है और सब ठीक है जो है जी। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के दालमंडी इलाके के लोग, और ख़ास बात यह है कि इसी क्षेत्र में जो चौक इलाका है, इसी क्षेत्र में ये दालमंडी भी आता है, और इसी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी भी स्थित है। और सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ा मैसेज यहाँ से ये देने की कोशिश की गई कि कोर्ट के दिए हुए फैसले को ये स्वीकार करेंगे और आपसी भाईचारा और इनका प्यार यूं ही बना रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।